हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएनबी के बारे में, जानेंगे क्यों ये स्टॉक इतने टाइम से नीचे है और देखेंगे अभी इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में ऐसी क्या चीज हो रही है जिससे ये आने वाले कुछ टाइम में यहाँ से डबल से भी ज्यादा का गेन दे सकता है। स्टॉक पे बात करने से पहले थैंक यू सो मच जो आपने येस बैंक के वीडियो को इतना पसंद किया, पर तब भी 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन देना, वो भी बिना बात घुमाए, में काफी रिसर्च और टाइम लगता है। अब चलते हैं सीधे स्टॉक की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जो हमारे देश के पैसों से बना है, बिना किसी बाहरी फंडिंग के। इस बैंक के फाउंडर काफी सारे स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स थे, उनमें से दयाल सिंह मंजीतिया और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स शामिल थे। ये बैंक 12 अप्रैल 1895 से ओपन हो गया था बिजनेस के लिए, और काफी सारे नामी लीडर्स जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी का बैंक अकाउंट इस बैंक में था। इस बैंक की तीन सब्सिडरीज है। पहला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो फाइनेंसिंग में डील करता है। दूसरा पीएनबी गिल्ड्स, जो इंडियन डेट मार्केट में डील करता है। और तीसरा पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस में डील करता है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तो फरवरी 2018 में ही इसमें 40% की गिरावट देखने को मिली, और तब से लेके अभी तक ये स्टॉक ने -54% के रिटर्न दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये बैंक अभी तक उभर नहीं पाया। फरवरी 2018, नीरव मोदी, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है, सीबीआई के मुताबिक इन्होंने फर्जी एलओयू लिए पीएनबी से। अब ये एलओयू होता क्या है, आइए जानते हैं। एलओयू मतलब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कोई व्यक्ति फॉरेन बैंक से लोन लेता है तो इंडियन बैंक उसे एलओयू लेटर प्रोवाइड कराता है, जिसके मुताबिक अगर वो पर्सन लोन नहीं भर पाए तो इंडियन बैंक, जिसने एलओयू दिया है, वो फॉरेन बैंक को रुपए चुका देगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो नीरव मोदी ने 2011 से 2017 के बीच 8 बार फर्जी एलओयू से 11,000 करोड़ का लोन लिया इंडियन बैंकों से, जिनके ओवरसीज ब्रांचेस थे। जब नीरव मोदी लोन वापस नहीं कर पाए तो ये सारे ओवरसीज बैंक पीएनबी के पास जाके अपने रुपए मांगने लगे ऑन द बेसिस ऑफ एलओयू। तब जाके पीएनबी को रियलाइज हुआ कि यहाँ फर्जी एलओयू बनाई गई है, और ये सब चीज पीएनबी ने सीबीआई को रिपोर्ट की फरवरी 2018 में। बट तब तक नीरव मोदी इंडिया छोड़ के भाग चुके थे। ये सबको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने मार्च 2018 में एलओयू को ही हटा दिया। उस टाइम एमडी एंड सीईओ सुनील मेहता जी थे, जिन्होंने पूरा बैंक क्लीन किया और 22 ऑफिशियल्स को पकड़ा, और ये क्लियर किया कि ये ब्रांच रिलेटेड इशू था, बाकी बैंक में कोई इशू नहीं है। पर इसके अगले ही साल जुलाई 2019 में पीएनबी ने एक और फ्रॉड रिपोर्ट की, जो कि 3800 करोड़ की थी, बाय भूषण पावर एंड स्टील। इसके बाद से स्टॉक गिरता ही चला गया। अब देखते हैं प्रेजेंट में कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर हम लोन एडवांसेस को देखें तो ये ईयर ऑन ईयर 14% से बड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसमें से 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन रिटेल लोन से आया है, जो कि और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे डिफॉल्ट हो जाने का खतरा कम हो जाता है। अगर एनपीए को देखें, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस बैड डेट, जितना कम बैड डेट उतना अच्छा, तो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों ही डाउन ट्रेंड में है, और अभी ये 7.73% और 1.98% है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो ये अब भी ज़्यादा ही है। कासा डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 46% टू 41.9%, बट वहीं टर्म डिपॉजिट देखे तो 23.69% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो ओवरऑल ये अच्छी बात है। आरओए एंड आरओई देखे तो ये बढ़ रहे हैं, और कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती है कि कंपनी को जो भारी नुकसान हुआ था उससे अब उभर रही है। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ और देखते हैं इसमें ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके कारण ये स्टॉक आने वाले टाइम में तगड़ा मुनाफा दे सकता है। इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, जिसका टारगेट 90 रुपीज़ आता है। करंट से देखें तो इसमें अभी 18% का गेन कभी भी आ सकता है। एक और चीज़ जो इसको जस्टिफाई करती है वो है पीएनबी की बुक वैल्यू, जो कि 93 रुपीज़ है, तो 90 तक तो इसको जाना ही है। जैसा हमने फंडामेंटल्स में देखा कि मेजर दिक्कत अभी एनपीए के ज़्यादा होने से है, पर अब जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपनी बुक क्लीन करने पे फोकस कर रही है, तो अगर पीएनबी की एनपीए पूरी ना क्लीन होके
मिनिमम SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जितना भी हो जाए, तो देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या नतीजा हो सकता है। उसके लिए हम SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखते हैं कि अभी ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं SBI और BOB दोनों ही अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। वही PNB को देखें तो ये वापस अपने लाइफ टाइम हाई 281 तक जाए तो 265% का गेन दे सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी अपने साइडवे चैनल पैटर्न में एंटर कर रहा है, जिसका टारगेट ₹200 आता है, जो कि करेंट प्राइस से अप्रोक्स 160% का गेन। आइए अब देखते हैं पहले इसने कितने टाइम में ये टारगेट अचीव किया। पहली बार इसको 13 वीक लगे, दूसरी बार इसको वापस नीचे से ऊपर जाने में 15 वीक का समय लगा, और फिर 20 वीक्स लगे। तो अब पुराने चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये 160% का गेन अभी आने वाले कुछ मंथ्स में कभी भी आ सकता है, और 160% का गेन एक साल में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर अभी लास्ट 6 मंथ्स में ही स्टॉक ने 60% का रिटर्न दे दिया है, तो अभी हो सकता है ये यहाँ से कंसोलिडेट ही करे और फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। वैसे ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बट क्या वाकई में आने वाले समय में ये स्टॉक 160% का गेन निकाल के दे सकता है? इसको जस्टिफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो सामने आती है वो है, पहला, पब्लिक सेक्टर बैंक का मेनली फोकस अपने बुक क्लीन करने पे है। दूसरा, जिन सेक्टर्स के कारण कंपनी का NPA बढ़ा था, जैसे इंफ्रा, पावर, स्टील रिलेटेड कंपनीज, इन सब का लोन स्ट्रक्चर हो चुका है या लोन पेबैक कर चुकी है, तो यहाँ से NPA कम होता ही लगता है। तीसरा, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उसी तेजी में इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां के बैंक्स का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक और इनके कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स हमारे नजरिए से। बाकी लेना ना लेना टोटली आप पे डिपेंड करता है। हम बस आप तक ऐसे ही कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा यस बैंक और सुजलॉन एनर्जी वाला वीडियो भी चेकआउट करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।